बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स ऑफ क्लास 10, यूनिट नंबर 18। टुडे आवर टॉपिक इज एटम आइसोटोप नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। यानी आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एटम क्या है, आइसोटोप्स क्या हैं और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है। देखिए, जहाँ तक एटम का ताल्लुक है तो आप जानते हैं एटम जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, नंबर एक न्यूक्लियस, नंबर दो ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स वो रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जो न्यूक्लियस है वो जगह है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, ये जो न्यूक्लियस है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं तो न्यूक्लियस बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई कमरा बना हुआ है और वहाँ के उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लेयर नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। बस प्रोटॉन न्यूट्रॉन इकट्ठे हो गए, इन ये जिस जगह पे इकट्ठे हुए इनको कलेक्टिवली जो है वो न्यूक्लियस कह देते हैं। तो एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो तीन ही होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होते हैं और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, और इन तीनों को मजमूई तौर पर हम एटम कहते हैं। अच्छा, अब ये भी आपको बता दें कि प्रोटॉन की जो तादाद होती है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर, और इसको हम जी से शो करते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला दें तो इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको हम ए से शो करते हैं। यानी अब ये कह सकते हैं द एटॉमिक नंबर जो होता है जी इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन नंबर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और जो एटॉमिक मास नंबर है ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं कि ये आइसोटोप क्या चीज़ होती है। देखें, आइसोटोप जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं। यानी ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन तो एक जैसे होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स का जो है वो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है कि पहले में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, दूसरे एटम में एक प्रोटॉन और साथ में एक न्यूट्रॉन भी आ गया है, और तीसरे एटम में आप देखें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो हो गए हैं। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होने से एलिमेंट चेंज नहीं होता, एलिमेंट चेंज होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के चेंज होने से। प्रोटॉन सब में एक जैसे हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट हैं, क्योंकि इनको हम ये कहते हैं कि एक ही एलिमेंट के जो है वो आइसोटोप्स हैं। इनको आइसोटोप्स क्यों कहते हैं, इसलिए कि पीरियोडिक टेबल में तीनों की जगह एक ही है। आइसोमैन मीन सेम, टॉप मीन प्लेस, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहते हैं। तो किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। अब हम बात करेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो ये 1896 में बेकरेल ने, हेनरी बेकरेल ने ये डिस्कवर हो गया था उसे कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनसे नेचुरली रेज निकलती हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं जिनमें नेचुरली रेज निकलती हैं, इनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एंड द एलिमेंट्स विच इमिट सच रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, ये भी एक अहम चीज़ है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, यानी कि 83, 84, 85, वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी कि उनमें से रेज निकलती हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये रेज हैं ये तीन किस्म की होती हैं।
एक को हम अल्फा रेज कहते हैं, एक को बीटा रेज कहते हैं और एक को गामा रेज कहते हैं। अल्फा रेज जो होती हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है और गामा रेज पे अब जो है वो कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा जो रेज हैं असल में ये अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं और हर पार्टिकल जो है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, और जो बीटा रेज होती हैं वो असल में बीटा पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस से निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच।